और सत्ता में अब आपको ऐसे माननीय विधायक से मिलवाते हैं जो भगवान राम की खान पान संबंधी आदतों पर विवादित बयान देकर सवालों के स्कैनर में आ गए हैं। इनका नाम है जितेंद्र आभाट, जो शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक हैं। ये लोकसभा चुनाव वाला साल है, अयोध्या में राम मंदिर वाला माहौल है। अगर ऐसे वक्त में कोई नेता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान दे तो राजनीति होना तय है। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है रामायण के उस प्रसंग का जिसका हवाला दिया जा रहा है। अगर कुछ शब्दों में जितेंद्र आभाट के बयान को रखें तो उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे, 14 साल तक जंगल में कहां शाकाहार ढूंढते। सत्ता में विशेष कुंजी के जरिए आज हम भगवान राम के नाम पर शुरू हुए जुबानी कांड का एक एक सच आपके सामने रखेंगे। पहले जितेंद्र आभाट का पूरा बयान और भारी विरोध के बाद आई सफाई सुन लीजिए। तुम्हें जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की मी आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही आज आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता तर मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार ते शाकाहारी शोधायला। मैं जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। मैंने जो कल एक वाक्य कहा, मेरा मानना है कि मेरा भाषण बहुत सुंदर हुआ, पर एक वाक्य ने उस भाषण का पूरा, तो उस वाक्य के प्रति जो भावनाएं लोगों की दिल में है, जो उनके दिल में दुख है, उसके प्रति मैं खेद व्यक्त करता हूं। और मशहूर कहावत है, मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। ये कहावत शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आभाट पर बिल्कुल सही बैठ रही है, क्योंकि विरोध करने वालों का कहना है कि इस बयान के जरिए उन्होंने न सिर्फ भगवान राम का अपमान किया बल्कि देश के करोड़ों राम भक्तों का भी अपमान किया। जितेंद्र आभाट के खेद व्यक्त कर देने से पहले, सफाई देने से पहले सियासी महाभारत छिड़ चुकी थी। जितेंद्र आभाट के बयान के विरोध में बीजेपी, अजीत पवार गुट के एनसीपी कार्यकर्ता और कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। अजीत पवार गुट के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ठाणे में आभाट के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जितेंद्र आभाट के घर पर भगवान राम की तस्वीर लेकर आरती करने लोग पहुंच गए। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए और जितेंद्र आभाट के विरोध में भी नारेबाजी हुई। इस घटना के बाद जितेंद्र आभाट के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। वहीं बीजेपी के नेताओं ने घाटकोपर थाने के बाहर हंगामा किया। बीजेपी नेता राम कदम ने आभाट के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत तक दर्ज करा दी। अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। शिकार करून खाणारा राम, राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय श्री राम। जितेंद्र आभाट के विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है जितेंद्र आभाट के खिलाफ। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखें यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। जितेंद्र आभाट की जो तस्वीर है उसके ऊपर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार शाकाहारी। प्रभु रामचंद्र जी के दिए हुए राम राज्य पर चलने वाली महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार है, ये सरकार सबकी है। कब होगी कार्रवाई उनके ऊपर? कार्रवाई का आरंभ हो चुका है। गिरफ्तारी होगी? एफआईआर की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई। गिरफ्तारी होगी कि नहीं? गिरफ्तारी जरूर होगी। नारायण साक्षात भगवान है और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना, मांस खाते थे क्या उस समय में? आप जिंदा थे क्या? आपने देखा था क्या? क्या आप उस समय मौजूद थे क्या? ऐसी बात को कल्पना, राम राम सीताराम 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 साधु में बोलने पर भी आपने मुझको पाप दे दिया। राम को झूठा मांसाहारी न बनावे, वो सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के ही रूप में उनका जीवन बीता है, इसलिए ऐसे प्रभु को मांसाहारी कहना गलत है, झूठा है और एकदम असत्य। फिर कब तक हम लोग सनातनियों का, भगवान का, देवी देवताओं का अपमान सहते रहें और कब तक हम कंट्रोल में रहें? कब तक हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए? क्या हो रहा है भाई? मैं चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं ऐसे लोगों को आजीवन प्रतिबंध करें।